नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लागू करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक इस कानून का सिर्फ और सिर्फ धज्जी ही उड़ता नजर आ रहा है। शराबबंदी वाले बिहार में जमकर शराब का खेल चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में सैनिक कैंटीन के बाहर सामने में गोदाम में ही एक कार्टून भर के विदेशी शराब बरामद किए गए। भारी मात्रा में शराब बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई थी, जिस दौरान भारी मात्रा में ये विदेशी शराब बरामद किए गए और इसके साथ ही दो लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। क्या टेम्पल और कुरकुरे के भारी मात्रा में शराब मिला है? और गोदाम से कुरकुरे भी था क्या? गोदाम में कुरकुरे भी था, फैक्ट्री पहले था, अब नहीं चलते हैं। अच्छा, पहले बंद हो गया था। उसके बाद भारी मात्रा में वहाँ शराब रखा हुआ है, दो गिरफ्तार हुआ है। काउंटिंग की जा रही है, अभी पता नहीं कौन सी जगह पे है। ये गोबरसाही गोदाम है, निजी गोदाम है। हाँ, निजी है। अपना पर्चा देंगे? प्राइवेट है। पर्चा देंगे अपना? मेरा नाम सुरी मावल, मुजफ्फरपुर एसआई। सुनिए ना, बोलिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को सख्ती से लाने के लिए कई बार कई तरह के प्रयास कर चुके हैं, चाहे वो ड्रोन उड़वाना हो, जमीनी स्तर पर कार्य करना हो, चाहे इसे लेकर के शपथ ग्रहण क्यों ना करवाना, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करी में सफल हो जा रही है और भारी मात्रा में विदेशी शराब जो है वो बिहार आ रही है और इसके साथ ही कई बार बिहार में ही शराब बन भी रही है और जल की शराब की वजह से लोग मर भी रहे हैं। तो आखिर इन सब में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कब इस पर रोक लगेगा? अगर शराबबंदी है तो पूर्णतः शराबबंदी कब होगी? कब तक सरकारी खजाना ना भर के किसी और के खजाने बढ़ते रहेंगे? इसे लेकर आगे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।